भोजपुर पुलिस अपराध पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से मानवीय एवं गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न कांडों के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, एक देसी मरकट, 8 जिंदा कारतूस के अलावा 6 मोटरसाइकिल, एक कार, 100 लीटर महुआ के साथ ही 19,000 रुपये बरामद किया है। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों को जानकारी दिया कि उद्वंत नगर थाना के बेलाउर बंगला के पास से दवा व्यवसायी से लूट कांड, चांदी थाना में चोरी घटना और गीधा ओपी कायमनगर पचैना बाजार से मोटरसाइकिल चोरी की घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 5 घटनाओं से संबंधित हम लोग करने जा रहे हैं। पहली घटना जो एक बड़ी घटना है लूट की, जो उद्वंत नगर थाना क्षेत्र में 22/9 को संध्या में, देर संध्या में हुई थी घटना। एक दवा के क्रेता थे, उनके साथ में छीन चोर की घटनाएं हुई थी और इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य आया था कि उसमें 5-6 लड़के बाइक पर, अलग अलग बाइक पर सवार होके और किसी दोस्त के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सड़क पर आए और उनमें से कुछ लड़कों ने उस दवा क्रेता के साथ में मारपीट की और उनसे पैसे और बैग छीने, जिसमें कि दवा भी था। पैसे छीनने में उन्होंने अंदाज के तौर पे ही बताया कि प्राथमिकी में दर्ज है, करीब 20,000 रुपये उसमें ले गए लड़के। उस दौरान मोबाइल गश्ती होने के कारण तुरंत त्वरित गति से कार्रवाई हुई और भागने की दिशा में पीछा किया गया, तो पीछा करने के क्रम में ग्रामीणों की भी मदद ली गई और ग्रामीणों ने मदद किया। 6 में से 3 अपराधकर्मी उक्त तिथि को ही, यानी कि 22 तारीख की अर्धरात्रि तक पकड़ लिए गए थे। उन लोगों की निशानदेही पे फिर जो गठित टीम थी उनके द्वारा आगे कार्रवाई करते हुए 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो मुख्य सरगना है अभी 7वां अभियुक्त के रूप में, वो अभी भी फरार है, परंतु उसके घर से चोरी की 3 बाइक और लूटे गए राशि में से 19,000 रुपये बरामद कर लिए गए। और जिन अभियुक्तों ने यह घटना किया है उनका पूर्व का आपराधिक इतिहास संदेश थाना क्षेत्र में और चांदी थाना क्षेत्र में मिला है और जिसकी विवरणी हम लोगों ने इसमें डाल दी है। 5-6 लड़के बाइक पर, अलग अलग बाइक पर सवार होके और किसी दोस्त के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सड़क पर आए और उनमें से कुछ लड़कों ने उस दवा क्रेता के साथ में मारपीट की और उनसे पैसे और बैग छीने, जिसमें कि दवा भी था। पैसे छीनने में उन्होंने अंदाज के तौर पे ही बताया कि प्राथमिकी में दर्ज है, करीब 20,000 रुपये उसमें ले गए लड़के। उस दौरान मोबाइल गश्ती होने के कारण तुरंत त्वरित गति से कार्रवाई हुई और भागने की दिशा में पीछा किया गया, तो पीछा करने के क्रम में ग्रामीणों की भी मदद ली गई और ग्रामीणों ने मदद किया। 6 में से 3 अपराधकर्मी उक्त तिथि को ही, यानी कि 22 तारीख की अर्धरात्रि तक पकड़ लिए गए थे। उन लोगों की निशानदेही पे फिर जो गठित टीम थी उनके द्वारा आगे कार्रवाई करते हुए 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई। जो मुख्य सरगना है अभी 7वां अभियुक्त के रूप में, वो अभी भी फरार है, परंतु उसके घर से चोरी की 3 बाइक और लूटे गए राशि में से 19,000 रुपये बरामद कर लिए गए। और जिन अभियुक्तों ने यह घटना किया है उनका पूर्व का आपराधिक इतिहास संदेश थाना क्षेत्र में और चांदी थाना क्षेत्र में मिला है और जिसकी विवरणी हम लोगों ने इसमें डाल दी है। 10/9 को हुई थी, ट्रैक्टर की बरामदगी नेक्स्ट डे कर ली गई थी, परंतु उसमें जो शामिल अपराधकर्मी था उस पर निगरानी रख के कल, यानी अर्थात 23 तारीख को उक्त चोरी की घटना करने वाले व्यक्ति को चांदी थाना क्षेत्र से एक पिस्टल, देसी पिस्टल और गोली के साथ में उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकारी है और जो घटना जहां से घटित हुई थी उस जगह पर उनकी संदिग्ध गतिविधि भी देखी गई थी। तीसरी घटना में वहाँ पर आज एक वारदात रिपोर्ट हुआ कि दो पक्ष आपस में ईंट भट्टे पर, पीपरपाती में ईंट भट्टे पर उस जगह पर लड़ रहे, झगड़ रहे और एक फायरिंग की आवाज़ भी सुनी गई। उसके आधार पर पुलिस ने
त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति नारायण की गिरफ्तारी की है, जहां से दो हथियार भी बरामद है और दोनों हथियार की तस्वीर भी इसमें रखी हुई है, सदस्य अभी आपके समक्ष में रखे जाएंगे और उनके साथ में चार गोली भी बरामद किया गया है। इस संदर्भ में ईंट भट्टा मालिक के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और अग्रतर कार्रवाई उसके अनुसार की जाएगी। कंपनी के कैंपस से कुछ महत्वपूर्ण सामान गायब हुए थे, उसकी भी बरामदगी की गई है और उसमें जो कबाड़ी वाला है जिस जगह से वो माल बरामद हुआ था उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। दो और हम लोग की लूट की घटनाएं हैं जो उद्भेदित की जा चुकी हैं, जिसके संदर्भ में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उपरांत हम लोग आपके समक्ष फिर से जो सप्ताह में दो दिन हम लोगों को प्रेस ब्रीफ देना है, तो अगले प्रेस ब्रीफ में आप लोगों के समक्ष में जानकारी दीजिए। सर दुर्गा।